साथियों नमस्कार। मैं महेश द्विवेदी आप सबको सुप्रभात। आज का दिन मंगलमय हो इस बात के साथ मैं आज दिल्ली की जो सिचुएशन है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दिल्ली की जनता जो है इस समय बहुत परेशान है, क्योंकि राज्य और स्टेट दोनों की लड़ाई के बीच में दिल्ली सरकार फंसी हुई है। अभी कुछ ही दो दिन पहले की बात है कि आपने सुना होगा कि जो जिस तरह से ऑक्सीजन का टैंकर जब हरियाणा से आ रहा था तो उसको जो है वहाँ रोका गया। ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ इस तरह की जो राजनीतिक लड़ाई है उस लड़ाई में जो है ना दिल्ली की जनता पिस रही है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि इस समय दिल्ली की जनता सरकारों की तरफ देख रही है, परेशान है, विवश है, लाचार होने के बाद अगर इस तरह की बातें इन सरकारों के बीच में होंगी तो दिल्ली की जनता इस समय सड़क पर खड़ी, हॉस्पिटल के सामने खड़ी, घरों में मर रही है। ये अच्छा नहीं है और ये इस तरह की जो सिचुएशन को सभी जनता जानती है, पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है। अगर यहाँ की दिल्ली की जनता अगर आपको शासन दे सकती है तो शासन ले भी सकती है, इसका डर बहुत ज़रूरी होना चाहिए। आप दोनों लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ, गुहार करना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता को विवश न किया जाए, दिल्ली की जनता को लाचार न किया जाए, दिल्ली की जनता को सुविधाएं देने के लिए आप जो तत्पर जो हो सकता है वो करें। दोनों लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे मोदी सरकार हो चाहे केजरीवाल सरकार हो, जनता को अगर सहूलियत नहीं दी गई तो कुछ ही दिनों बाद आपके सामने जनता आपके रिजल्ट देगी। मैं ये बात मैं कोई राजनीति के उससे नहीं कहना चाहता हूँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज कोरोना काल में जिस तरह से जनता भटक रही है, परेशान हो रही है, उसका अगर आपने निदान नहीं किया तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, दोनों सरकारें जिम्मेदार होंगी। धन्यवाद। जय सुप्रभात। जय हिंद। जय भारत।